अब छोटे भाई का बड़ा पैजामा पहनने वाले, अब हिंदू जा चुका है, एक पैजामा पूरा कर देगा नीचे तक। हम तो कहते हैं इस देश के 40 करोड़ गद्दार हैं। भी लाउड स्पीकर है, हिजाब है, भी देखना स्लीपर सेल कैसे कैसे यहाँ निकलते हैं। उनके जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, UPSC जिहाद है, उनके सब जिहाद बंद हो गए हैं। इस देश के मुसलमान गद्दार हैं। जितनी भी योजनाओं का फायदा है इस देश का मुस्लिम ले रहा है। 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू हो चुका है। ये जो रो रहे हैं ना, भाई महंगाई बढ़ गए, कौन जो जिसके 10 बच्चे हो रहे हैं, 10 बच्चे वाला एक बच्चे को भी हाई स्कूल नहीं कराता, वो चिल्लाता है बेरोजगारी बढ़ गई बेरोजगारी। 12-12 प्रोडक्शन में तुम करोगे बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी देगा। वैसे जी कहते हैं 8 सालों में आपने अखंड भारत क्यों नहीं बना लिया? अखंड भारत बनेगा, इस मियां के रोकने से रुक जाएगा क्या? देखिए, लाउड स्पीकर हर मस्जिद पे लगा है, हटना चाहिए, सही बात है, हटना भी चाहिए कि अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये मस्जिद पे लगा रहे हैं, फिर रोड कवर कर रहे हैं, गांव में भी पहुंच गए हैं, गांव में भी लाउड स्पीकर मस्जिद। रात में मिट्टी ढोके, मतलब पहले जाते हैं, किसी के साड़ू हैं, किसी के साले, पता ही नहीं चलता कहाँ बांग्लादेश से आ रहे हैं या यूक्रेन से आ रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा, कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर की बात है, अगर इन्हें नहीं रोका गया, देखो बात खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए, फिर आ गया है 2020 मतलब सुपर ओवर। इनके सामने लाउड स्पीकर अगर नहीं हटे, एक मौलाना धमकी भी दे रहा था कि लाउड स्पीकर यहाँ पे हटाने आए, वो सोच समझ ले तो उसका निपटारा हो जाएगा। उस मौलाना को ये सोचना चाहिए कि भाई अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जो यहाँ पे मतलब छोटे भाई का बड़ा पैजामा पहनने वाले, अब हिंदू जा चुका है, एक पैजामा पूरा कर देगा नीचे तक। हाँ, इसीलिए जो है लाउड स्पीकर हटने चाहिए और हर जगह से हटने चाहिए। ये क्या खाला का घर है जो अभी आए, बस ढपली बजाओ, गौशाला या धर्मशाला है हिंदुस्तान। इस देश में जो भी है ना, ये भाई जान यमुना गंगा तहजीब अंधकार भगाए ने, कश्मीर फाइल में तो देखा किस तरीके से इन्होंने भाईचारा, ये यहाँ पे दोगले एज साइनबाग में चिल्ला रहे थे ना, हम 40 करोड़, ये दोगले लोग गद्दार हैं। हम तो कहते हैं इस देश के 40 करोड़ गद्दार हैं। और इसलिए जनगणना नहीं होने दे रहे, 22 की जनगणना नहीं हो रही, जहाँ भी जनगणना कर्मचारी करने जा रहे हैं उनको पलट फेरे जा रहे हैं। ये जिधर अगर हिजाब आएगा तो वो उसको क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो क्या है, शेरनी। तो एक इनकी ये जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता को दबाना पड़ेगा, और नहीं तो इस्लामिक कंट्री बनने वाला है। कोई कहेगा भाई टमाटर महंगा, कोई कहेगा प्याज महंगा, कोई कहेगा तेल महंगा, और महंगे महंगे में सबकी माँ बहनें उठ जाएंगी। इस्लाम 40% धर्मांतरण कर लेंगे डर की वजह से, 40% लड़ेंगे वो काटे जाएंगे, 20% तो बेशरम है जो उसमें जेएनयू में, जामिया इस्लामिया में, एएमयू में, जो बेशरम है, दोगले हैं। आप कह रहे हैं हिंदू जाग चुके हैं, लेकिन हिंदू जाग चुके हैं तो हर जगह हिंदुओं को ही क्यों काटा और मारा जा रहा है? देखो, हिंदू का दुश्मन मुस्लिम नहीं है, हिंदू खुद का दुश्मन है, उसकी नंबर एक अखंडता। वो खुद पे ध्यान नहीं देता, बड़ी बड़ी बातें अभी सोशल मीडिया बोलेगा भाग जाएगा। अरे निकलो मैदान में ना, कब तक चुपचाप बैठे रहोगे? ये जो समस्या है गेट के बाहर खड़ी है, ये मत सोचिए खिड़की पे हमला हुआ, अरे भाई अंदर हो जाओ, इस गली से बेटा मत जाना, मार दिए जाओगे। अरे साला मरना ही है हिंदू को, कब तक बचोगे समस्या से? गेट खोलो, समस्या तलवार लिए बाहर खड़ी है, हमारे पास हथियार नहीं है। अभी पुलिस की मर्दांगिनी केवल हिंदुओं पे चलती है, मुसलमानों के मोहल्ले में जाते साले दौड़ा दौड़ा के मारे जाते पुलिस वाले। क्योंकि ये प्रशासन भी जानता है हिंदू नंबर एक का आक्रमणता मतलब बेशरम है, इसे अपनी इज्जत पर धर्म की कोई परवाह नहीं है। तो इसीलिए हिंदू को आगे आना पड़ेगा, जय श्री राम। ऐसा नहीं है, जो आगे आ रहे सरकार का कवच भी है, अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाईचारा चल रहा है, इस भाईचारा के पर्दे के पीछे जो चल रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो कश्मीरी फाइल चल रही है इसमें दंगा फैल जाएगा। अरे जो हत्यारे थे वो पाकिस्तान से आए थे 90 में, हमें तो ये सुप्रीम कोर्ट जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों का अड्डा था, सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों का अड्डा था। उस जज को भी भैया ढूंढ लेना चाहिए जो रात के 3 बजे कोर्ट खोलता है, किसके लिए, जबकि इस देश में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हैं आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खोलते हैं। ये लाउड स्पीकर जो है ना, लाउड स्पीकर ये मस्जिद से उतरना चाहिए, मंदिरों पे लगा रहना चाहिए, मस्जिद से उतरना चाहिए, मंदिरों पे लगना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ये
धर्म के आधार पे देश बटा था, ठीक है, वो इस्लामिक क्या बना, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे पारसी था ईरान, इस्लामिक गणराज्य ईरान, तो ऐसे होना चाहिए हिंदू हिंदू राष्ट्र गणराज्य भारत। तो ये सपना हमारा है, ये 24 के पहले ही हमें देखने मिलना चाहिए, बाकी हम इन लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। और जिस तरीके से ये अभी लाउड स्पीकर है, हिजाब है, भी देखना स्लीपर सेल कैसे कैसे यहाँ निकलते हैं, और इनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं, इनके लिए सरकार को एक नई सोच निकालनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं जाएंगे, बंगला जो अफगानिस्तान में हुआ वो होगा, तो इसलिए इस देश का हम सोचते हैं भैया, ये जितने जो भाईचारा है, लड़कियों को फंसाना ये सब करना, ये लाउड स्पीकर तो बहाना है, ठीक है। जहाँ भी आप देखते हैं हिंदुओं पे हमला होते हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है, ना हाई कोर्ट लेता है। मुस्लिम को हिंदुस्तान में डर क्यों लगता है फिर? वो डर नहीं लगता है, 2014 से न्यूयॉर्क टाइम ने कहा था आजाद भारत की आजाद सरकार बनी है, अब उनके जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, यूपीएससी जिहाद है, उनके सब जिहाद बंद हो गए हैं, जमीन पे कब्जा, रेलवे ट्रैक कब्जा, रेलवे स्टेशन कब्जा, एयरपोर्ट कब्जा, इस देश के मुसलमान गद्दार हैं। शाहीनबाग में खुद वो मुल्लैनिया बोल रही थी, हम नहीं बोल रहे हैं, उसका वीडियो निकालिए, वायरल हुआ था। मोहन भागवत जी कहते हैं 15 सालों में हम इसको जो है अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत मोहन भागवत, इसीलिए 4 दिन योगी आदित्यनाथ के पास गोरखपुर गए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हो गए न्यूट्रल, लिबरल, लिबरल जानते हो ना, अब दोनों तरफ वोट वोट बाबूजी को इधर नहीं मिलता, यूपी में जीत हुई है हिंदुत्व की वजह से, इस देश की जनता के काम चाहे आप सोने की रोडे बना दो, जनता वोट नहीं देगी, इसलिए जो जीत हुई है हिंदुत्व की वजह से हुई है। अब हमें चाहिए 24 तक हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले लाउड स्पीकर हटने चाहिए और पीओके, उसके बाद नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, हम योगी को उसके सीट पे बैठाएंगे, और जो कुछ अंदर अंदर चल रहा है ना, योगी मोदी के बाद में पीएम नहीं बनेंगे, तो अंदर के जो कुछ तहखाने में पल रहे हैं, उन्हें इस आपके चैनल से इशारा करना चाहते हैं, योगी को ही पीएम बनने दें, क्योंकि यूपी इलेक्शन में खूब उठापटक हुई, जो योगी की सीएम की कुर्सी में टांग अड़ा रहे थे, जनता ने उनकी कुर्सी में टांग अड़ा दी, इशारा समझे होंगे, डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो जो है मुस्लिमों ने अपनी खुशी से जो है पाकिस्तान मांगा था, लेकिन कहा गया कि इंडिया के लोगों से जिनको प्यार था, भाईचारा था, वो लोग इंडिया में रह गए, लेकिन अगर वो दोस्त बन के रह गए, प्रेमी बन के रह गए, तो फिर आखिर दंगा कौन कर रहा है? देखिए, जो हुड़दंगे वाले हैं पाकिस्तान से, हम सीधी बात कहते हैं, इनका नाम क्यों ले रहे भैया, ये गद्दार है, सीधी सी बात है, ये जहां भी जाएंगे, जितनी भी योजनाओं का फायदा है इस देश का मुस्लिम ले रहा है, 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू हो चुका है, जबकि अल्पसंख्यक में गिनती इनकी होती है, अल्पसंख्यक आयोग इनके लिए बना है, बकबोर्ड इनके लिए बना, भाई हिंदू के लिए क्या बना है? और प्रधानमंत्री चिक चिक के जो लाहौर में पैदा हुआ, मनमोहन सिंह खुद ही कह रहे थे कि पहले संसाधनों पर हक मुस्लिम का है, तो फिर इस देश की आइडियोलॉजी आप लोग समझ सकते हैं। नंबर एक, 3:30 बजे कोर्ट खुलना सबसे ज्यादा इस देश के लिए शर्मनाक सुप्रीम कोर्ट के लिए है। लेकिन जैसा कि 15 साल में अखंड भारत बनाने की बात हो रही है, तो 15 साल के बाद तो ये मुस्लिम बाहुल इलाका हो जाएगा, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका सब जो है शामिल होंगे, तो पाकिस्तान जो है मुस्लिम बाहुल इलाका ही होगा ना? नहीं नहीं, देखो, बर्मा 1935 में लागू हुआ, अफगानिस्तान हुआ, अखंड भारत मतलब पीओके, जम्बू द्वीप भारत खंडे, ये हमारे श्लोक में भी आता है, जब सत्यनारायण की कथा होती है, जम्बू द्वीप भारत खंडे, उसको खंडा भी करना है, वो तो बात की बात है। तो इसीलिए अभी यहाँ से जो सपोले हैं हटाने पड़े, इसके लिए अब ओपन नहीं हो सकती, क्या प्लानिंग चल रही है, वो सब हो रहा है, एकदम होगा यहाँ पे, लेकिन आप लोग अलर्ट रहे, ये जो रो रहे हैं ना, भाई महंगाई बढ़ गए, कौन जो जिसके 10 बच्चे हो रहे हैं, 10 बच्चे वाला एक बच्चे को भी हाई स्कूल नहीं कराता, वो चिल्लाता है बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी 12-12 प्रोडक्शन में तुम करोगे बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी देगा, कौन देगा भाई? 12 बच्चे तुम पैदा कर रहे, बेरोजगारी का सवाल हमसे कर रहे, जिसको नहीं मालूम GDP, भाई GDP बढ़ गई, GDP बढ़ गई, मैं देखता हूँ ना यहाँ पे जो आते हैं, छोटे भाई का बड़ा पैजामा पहनने वाले पच करते हैं, फिर हिंदुओं को लड़कियों को फंसा के लव जिहाद करते हैं, क्या क्या करते हैं, आगे क्या कहूँ, वो ऐसे रहने दो जैसे चल रहा है। अगर सरकारें कुछ नहीं करेंगी, इस देश की जनता को हिंदुओं को लड़ना है, सरकार आएंगी ही जाएंगी, और जिस दिन कांग्रेस की सरकार या इनकी लोगों की आए, काट काट के सब, जैसे दिल्ली बुलंदशहर मूवी बनने वाली है देख लेना, उसमें हमें कहते हैं कि केजरीवाल तो आतंकवादी, इसको तो ओपन करना चाहिए, इसमें दिल्ली बुलंदशहर में ताहिर हुसैन, केजरीवाल और अमानतुल्ला, तीनों का अहम रोल था, जो राज्यपाल के गेट पे रात के 12 बजे चिल्ला रहे थे कि आप उठिए, फोन उठाइए, नहीं तो दिल्ली साफ हो जाएगी। वैसे जी कहते हैं
8 सालों में आपने अखंड भारत क्यों नहीं बना लिया? अखंड भारत बनेगा, इस मियां के रोकने से रुक जाएगा क्या? इस मियां के रोकने से नहीं रुकना है, भोंकता रहे, ज्यादा नहीं है बस वोट, इसीलिए अब इनकी योजनाओं पे रोक लग गया है। अभी अमेरिका भी कह रहा है कि मानवाधिकार, अरे जिसका बचपन में ही मानवाधिकार पे लेके क्या होता है उसको रोकिए ना, जो खतना होता है उस पे भी अमेरिका की नजर होनी चाहिए, जो इंडिया में मानवाधिकार पे हो रहा है। धन्यवाद।